Blockbuster News. नमस्कार दोस्तों, रमेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के वृद्ध आश्रम में आज रोबिन हुड आर्मी की फाजिलका इकाई द्वारा दिवाली का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर रंगोली सजाई गई। इसके साथ ही वृद्धों को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर थाना सिटी की प्रभारी मैडम लवनीत कौर विशेष रूप से उपस्थित रही। किस प्रकार से यहाँ पर मानव कल्याण सभा द्वारा मैडम लवनीत कौर का स्वागत किया जा रहा है। यह कार्यक्रम रोबिन हुड आर्मी की फाजिलका इकाई के प्रधान आनंद जैन की देखरेख में संपन्न हुआ। किस प्रकार से यहाँ पर रोबिन हुड आर्मी की फाजिलका इकाई द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आरबीलाइव मीडिया पर हमारे संवाददाता संजय जलंधरा की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सर बहुत वधिया इनिशिएटिव है सोसाइटी विच, मतलब मैनूं बड़ा वधिया लगा कि इदां दे यूथ भी हैगा कि जिहड़ा सोसाइटी बारे इन्ना डीपली सोचदा आ। बट फिर भी अपनी इंडियन सोसाइटी वास्ते, खास करके अपने लोकां वास्ते बड़ी शर्म दी गल है कि एक छोटा जिहा डिस्ट्रिक्ट होण दे विच बावजूद भी आपां इत्थे वृद्ध आश्रम मतलब चल रहा आ, क्योंकि आपां पेरेंट्स कल नहीं कमाउंदे कि अपने बच्चे उन्होंने सांभ संभाल कर। बट मैं देखिया कि इत्थे 5 मतलब हैगे ने इत्थे जाने जिहड़े रह रहे ने। ठीक है, आप दिवाली उन्होंने सैलीब्रेट कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल कुछ उन्होंने पेरेंट बच्चों नाल होनी सी उन्होंने नहीं होंगी गी। बट फिर भी आपां इनिशिएटिव लेना चाहिए, पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम आपके जो बजुर्ग उन्होंने घर लेके जाओ, क्योंकि जो बजुर्ग होंगे ने घर का एक जिंदरा होंगे ने। सो उन्होंने आप यही चाहते हैं कि जिन्नी भी सोसाइटी चल रहा है भी आपू भी चल रहा, ठीक है, ओके है, बट उन्होंने बच्चों मोटिवेट करिए कि तुम आपके पेरेंट्स घर लेके जाओ। एंड जो काम कर रहे बहुत वधिया काम है, एंड ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। हम लोग आर एच टीम के मेंबर्स हैं। यहाँ हम दिवाली मनाने आए थे बुजुर्गों के साथ, और हमने यहाँ हमें काफ़ी अच्छा लगा। बुजुर्ग हैं, काफ़ी उनका आशीर्वाद लिया, भी फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ पे मैम आए थे SHO मैम, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी बुजुर्ग से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमें आगे बहुत अच्छा लग रहा है, और यही सब। देशवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जो आप फूड्स होता है, जहाँ बच जाता है, कोई लंगर होता है, कोई आपका कुछ भी, आप कोई वेस्ट फूड होता है उसका वेस्ट मत करो, जितना खाना है उतना ही लो, और आगे उसको अगर बचता है तो आगे हमें कॉल करो, हम उसको, अब चाहे सिंगल पर्सन का फूड है ना, उसे हम आगे नीड पेपर्स तक पहुँचाएंगे, ताकि वो फूड वेस्ट ना हो और किसी भूखे के पेट में जाए। यहाँ वृद्ध आश्रम में भी इसीलिए आए थे, यहाँ जो पेरेंट्स हैं जिनके जो बच्चे यहाँ उनको छोड़ जाते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करना, हम यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमने उनको देखा, उनसे मिले, काफ़ी आशीर्वाद दिया, काफ़ी कुछ सीखा। और ये मेरी टीम रोबिन हुड आर्मी फाजिलका, हमने ये इनिशिएटिव 22 सितंबर को स्टार्ट किया, और हमने अब तक 300 प्लस सिटीजन को फीड कर दिया। अगर आपके घर पे खाना या कपड़े बचते हैं तो उसको फेंकने की जगह हमें कॉल कर दीजिए, हम आएंगे और आपसे लेकर जाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं या कोई आदमी है या कुछ है जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, तो हम उनको देंगे, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा और आपका जो वेस्टेज है या एक्सेस फूड है वो लग जाएगा। तो आप सभी से यही गुजारिश है, हमसे जुड़ने के लिए या खाना देने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो कोई पैसा नहीं लेगी, ये सिर्फ हमारा काम सोशल है।